महिलाओं से तो रौनक है। अगर महिलाएं की सहभागिता और बढ़ती है हर तरीके से तो रौनक और बढ़ जाएगी। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं कम्युनिटी वाइज जो भी, तो उनकी सारे लोगों का व्यंजन को इस बार के प्रोग्राम में थोड़े और अच्छे तरीके से उभार के लाए जाएं। आज जो हमारा कार्यक्रम था, हम पोस्टर रिलीज करने के लिए यहाँ आए हुए थे और हमारे बीच बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर और मीडिया के बंधु आए हुए थे, जिनके सामने हमारे अपना डेट का अनाउंस किया। और कि आदिवासी मतलब हमारा कला संस्कृति, चाहे वो व्यंजन हो चाहे हमारे किसी भी तरह से हो, उसे हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसे एक वर्ल्ड के व्यू में लाना चाह रहे हैं, जो हम शायद कहीं किसी वजह से हम लैक कर रहे हैं। तो हमारा अभी फिलहाल दर्शन यही है, विजन यही है। हम लोग इस बार ट्राइबल जीवन शैली को प्रदर्शित करेंगे अपने इवेंट के अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग जीवन शैली को दिखाएंगे और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट हम लोग बनाएंगे, जिसमें आने वाले जो भी लोग होंगे उस मेले में, तो आइए जो चीज़ आप पिछले बार जो भी मिस कर गए थे उनको, और जो भी हमने पिछले बार नहीं प्रेजेंट कर पाया था वो इस बार दिखने को मिलेगा। हमारी टीम ने जितना रिसर्च किया है, जो भी मेहनत किया है वो दिखेगा। और हमारा तैयारी इस तरह से है कि पूरा दुनिया, पूरा भारत तो देखेगा ही, पूरा दुनिया भी हमारा इस प्रोग्राम को देखेगा। धीरे 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 जैसे यूथ फेस्ट का जैसे समय आते समय नज़दीक सटते जाएगा, तब तक आपको पता चलते जाएगा धीरे धीरे। अभी बहुत सारे चीज़ गोपनीय है, कई कार्यक्रम थोड़ा सा पिछले बार हम लोग को बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, इसलिए हम लोग सोच रहे कि अब धीरे धीरे हर चीज़ को हम लोग पब्लिक के सामने लाएंगे। जो दर्शक लोग छूट गए थे वो अभी खुद वो सोच रहे थे कि क्यों छूट गए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम है, बहुत लोग सोच रहे थे। लेकिन जब दो दिन से कार्यक्रम हुआ पूरे राज्य में, तो हलचल मच गया कि ट्राइबल यूथ फेस्ट IWS के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा आगाज जो आज तक किसी ने किया नहीं, 3200 जनजाति जो झारखंड में निवास करती है, उसकी संस्कृति, सभ्यता, उसके खान पान या नृत्य मंडली, गीत सबको प्रस्तुत किया गया, तो वो लोग इस बार इच्छुक है आने के लिए। एकदम जरूर से इस बार हम लोग आज जो हम लोग मीटअप कराए, तो एक शुरुआत था आज हम लोग का, तो आज से जो स्टार्ट हुआ हमारे कार्यक्रम का एक प्रचार प्रसार का, वो पिछला बार लास्ट शहरी क्षेत्र के ही लोग आए थे, लेकिन इस बार हमारा प्रयास है कि हर गांव से, रांची के आसपास के हर गांव से यहां दर्शक पहुंचे। झारखंड की राजधानी रांची में फिर से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी खान पान और आदिवासी वेशभूषा की झलक आपको दिखाई पड़ेगी। आपको याद है कि पिछले साल 12-13 नवम्बर को झारखंड की राजधानी रांची के दीक्षांत मंडप में, जो रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत मंडप है, वहाँ दो दिन का ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया था, और जिसमें दो दिनों तक तमाम राज्य के तमाम जो जनजातीय समाज हैं उनकी संस्कृति को, उनके खान पान को प्रदर्शित किया गया था, और दो दिन तक बहुत मज़ा किया था लोगों ने। अब फिर से ट्राइबल यूथ फेस्ट की घोषणा हो गई है, 26-27 नवंबर, वेन्यू वही है, दीक्षांत मंडप रांची यूनिवर्सिटी का जो हॉल है, जो खुला जगह है, वहीं पे जहाँ पिछले बार हुआ था। तो पोस्टर है टीम TYF जिसके द्वारा ये किया जाता है, ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023, 26-27 नवंबर, वेन्यू है दीक्षांत मंडप। ये जो टीम आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले बार इस मतलब जो TYF के मेंबर हैं ये लोग, और ये तमाम लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इस बार नया क्या है, पिछले बार तो जो चीज़ें थी वो वही रिपीट है, या कुछ नया थीम है, या कुछ नई चीज़ें। पहले तो विपिन भैया से बात करते हैं। विपिन जी जिला परिषद भी हैं और इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है एज ए गार्जियन के तौर पर, बुजुर्ग भी सबके साथ ज़्यादा सामने यही है। तो क्या है दादा इस बार नया? देखिए, आपको सब चीज़ आज क्लियर नहीं होगा, उसके लिए आपको ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 आना पड़ेगा। कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं अभी, वो आपको धीरे धीरे खुलेंगी। और जैसे कि जानते हैं कि पिछला जो संस्करण था हमारा बहुत ही सफल था, और आज जो हमारा कार्यक्रम था, हम पोस्टर रिलीज़ करने के लिए यहाँ आए हुए थे, और हमारे बीच बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर और मीडिया के बंधु आए हुए थे, जिनके सामने हमारे अपना डेट का अनाउंस किया, और जो हमारा पोस्टर आप देख रहे हैं वो रिलीज़ हुआ। और हम चाहेंगे कि उससे बेहतर आप लोगों के सामने कुछ लेके आएँ, और जो
सभ्यता संस्कृति झारखंड की और उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका जो वाद्य यंत्र पिछला साल आपने देखा था, हम चाहेंगे कि उससे बढ़कर कुछ आप लोग को दिखा पाएँ। यही हमारी इस बार की इस टीम से और ये ट्रैवल यूथ फेयर से उम्मीद है। अमरनाथ हैं, अमरनाथ के बस शायद ज़्यादा जानकारी होगा इनको, जैसे इनको शायद अगर पोर्ट पर हम लोग पहले इनसे जान पाए तो क्या नया है अमरनाथ जी इस बार? जैसा कि विपिन दा ने बताया, कुछ चीज़ें हम लोग अभी धीरे धीरे करके परत दर परत लाएंगे ताकि लोगों का वो रुझान और इंटरेस्ट एक्साइटमेंट बना रहे। तो सभी चीज़ें नहीं बताएंगे, बस इतना आपको बताएंगे कि इस बार पिछले बार से डबल धमाल होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की जाने वाली हैं, जिसमें एक छोटा सा क्लू देते हुए एक बता देता हूँ, क्योंकि आप आए हैं, इतना समय आप भी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना अधिकार भी बनता है। हम लोग इस बार ट्राइबल जीवन शैली को प्रदर्शित करेंगे अपने इवेंट के अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग जीवन शैली को दिखाएंगे और वहाँ पर सेल्फी पॉइंट हम लोग बनाएंगे, जिसमें आने वाले जो भी लोग होंगे उस मेले में वो हमारे जीवन शैली को और नज़दीक से और करीब से जान सके। और कुछ ऐसे विलुप्त हो रही चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन यापन में, जो वहाँ पर प्रदर्शित होंगी। ऐसी कई और भी चीज़ें हैं जो हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहिए और आइए यूथ फेस्ट में। विपिन दा से पूछे तो बताए नहीं, अमरनाथ जी से पूछे तो थोड़ा सा बताएं, तो बाकी लोगों से बात करते करते लगा धीरे धीरे सब पता ही चल जाएगा। हेमंत है, क्या तैयारी है, कितना तामझाम रहेगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? तैयारी तो देखिए, हमारा पिछला साल का जो प्रोग्राम था, फेस्ट था, ख़त्म होने के साथ ही हमारा तैयारी शुरू हो गया था। हम तो ख़त्म हुआ, दूसरा का तैयारी। हाँ हाँ, हमने, हमारी टीम ने पूरे साल भर रिसर्च की और जो भी चीज़ें पिछले बार छूट गई उससे डबल धमाका इस बार हम लोग लेकर आ रहे हैं। और इस बार मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप आइए, जो चीज़ आप पिछली बार जो भी मिस कर गए थे उनको, और जो भी हमने पिछले बार नहीं प्रेजेंट कर पाया था वो इस बार दिखने को मिलेगा। हमारी टीम ने जितना रिसर्च किया है, जो भी मेहनत किया है, वो दिखेगा। और हमारा तैयारी इस तरह से है कि पूरा दुनिया, पूरा भारत तो देखेगा ही, पूरा दुनिया भी हमारा इस प्रोग्राम को देखेगा। तो अगर आप भी सांस्कृतिक प्रेमी हैं, आदिवासी परंपरा रीति रिवाज को समझना, नज़दीक से देखना चाहते हैं, तो आपको आना चाहिए। और लोग हैं, तमाम जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं, यहाँ से समझते हैं, आपके पास भी आएंगे। क्या कुछ होगा इस बार? इस बार हम जो पिछले साल जो भी हमसे कुछ त्रुटियाँ रह गई है उसे हम ठीक करके एक बार फिर से हम अपनी आदिवासी का परचम लहराने को फिर से आ रहे हैं। इस बार हमारा फोकस यही है कि आदिवासी मतलब हमारा कला संस्कृति, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे हमारे किसी भी तरह से हो, उसे हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसे एक वर्ल्ड के व्यू में लाना चाह रहे हैं, जो हम शायद कहीं किसी वजह से हम लैक कर रहे हैं। तो हमारा अभी फ़िलहाल दर्शन यही है, विजन यही है कि हम लोग अपने ट्राइबल, अपना रिचुअल, अपना कल्चर को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं। पूरे इस टीम में अभी फ़िलहाल एक ही महिला है, बात कर लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, उससे एक ही महिला है तो उनसे भी बात करना ज़रूरी। क्या कुछ होगा इस बार नया? पिछली बार तो बहुत तामझाम था, इस बार क्या लगता है कि महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा बढ़ेगी? महिलाओं से तो रौनक है, अगर महिलाएं की सहभागिता और बढ़ती है हर तरीके से तो रौनक और बढ़ जाएगी। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं कम्युनिटी वाइज जो भी, तो उनकी सारे लोगों का व्यंजन को इस बार के प्रोग्राम में थोड़े और अच्छे तरीके से उभार के लाया जाए एंड यूनिटी दिखाई जाए, ख़ास तौर पे कि झारखंड में इतने आदिवासी लोग आज के डेट पर सबल है हर तरीके से। हर कार्यक्रम के लिए एक अध्यक्ष होता है और हमारे बीच वही अध्यक्ष हैं। इस बार जो टीम बनी है, आज जो मीटिंग हुआ जिसमें चुना गया, वो अजीत दा है हमारे साथ, उनको अध्यक्ष के तौर पर। आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बढ़ा है इस बार बहुत ज़्यादा, पूरी टीम ने मेरे पे भरोसा जताया है कि इस बार के कार्यक्रम का अध्यक्षता आप कीजिए, तो जिम्मेदारी जितनी बड़ी मिली है उससे बढ़कर करेंगे और उसका हम लोग का प्लानिंग सारा चीज़ तैयार है, जो आपको धीरे 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 जैसे यूथ फेस्ट का जैसे समय आते जाते आते समय नज़दीक सटते जाएगा
तब तक आपको पता चलते जाएगा धीरे धीरे। अभी बहुत सारे चीज़ गोपनीय है, कई कार्यक्रम थोड़ा सा पिछले बार हम लोग को बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, इसलिए हम लोग सोच रहे कि अब धीरे धीरे हर चीज़ को हम लोग पब्लिक के सामने लाएंगे। अनिल, कैसे और लोग जो लोग पिछले बार छूट गए किसी कारण से नहीं आ पाए, उनको कैसे करेंगे कि वो तमाम लोग और अट्रैक्ट हो इस कार्यक्रम से? ठीक है, पिछले बार समय नहीं मिल पाया था और देखिएगा तो इस बार भी समय बहुत कम है, क्योंकि आज 15 अक्टूबर है और हमारा कार्यक्रम 26-27 को है, तो देखिएगा तो समय बहुत कम है। लेकिन पिछले बार का जो भी लोग छूट गए थे, चाहे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की बात हो, खोड़ा मंडली की बात हो, चाहे जो हमारे आदिवासी जो स्टॉल जो व्यापार के क्षेत्र में, चाहे वो लोग छूट गए हो, तो इस बार हम लोग प्रॉपरली पूरा लिस्टिंग पिछले बार की भांति इस बार हम लोग लिस्टिंग करके, ताकि इस बार कोई छूटे नहीं, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो डांस के क्षेत्र में हो, सिंगिंग के क्षेत्र में हो, और जो भी खोड़ा मंडली जो अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं वो भी ना छूटे, और सभी को मार्की से हम लोग चिंतन मंथन करके सभी को लिस्टिंग करेंगे और कोई छूटे नहीं। और इस बार 2023 का ट्राइबल यूथ फेस्ट पूरे विश्व में परचम लहराएगा, क्योंकि 2022 का ट्राइबल यूथ फेस्ट का कार्यक्रम हुआ था, कहीं ना कहीं हम लोग टीम के लोग यही मानते हैं कि सरकार जो वर्तमान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में जो कार्यक्रम किया, कहीं ना कहीं हम ही लोग का कॉपी किया है, हम लोग तो यही मानते हैं। भले सरकार के पास बहुत सलाहकार रहते हैं, देश विदेश को फंड भी रहता है, तो हम लोग यही मानते हैं कि युवाओं का कार्यक्रम को ही सरकार ने एडोप्ट करके किया। तो जो लोग पिछले बार छूट गए किसी कारण से नहीं पहुँच पाए, उनको क्या कहेंगे इस बार के? हाँ, छूट गया तो उसमें हम लोगों ने मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने एक माफीनामा मांगा था। नहीं, जो लोग नहीं आ पाए किसी कारण से, तो क्या उनको आना चाहिए? नहीं, वो नहीं आए तो वो लोग तो खुद दर्शक की बात कर रहे हैं। जो दर्शक लोग छूट गए थे वो अभी खुद वो सोच रहे थे कि क्यों छूट गए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम है, बहुत लोग सोच रहे थे। लेकिन जब 2 दिन से कार्यक्रम हुआ पूरे राज्य में, तो हलचल मच गया कि ट्राइबल यूथ फेस्ट IWS के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा आगाज जो आज तक किसी ने किया नहीं, 3200 जनजाति जो झारखंड में निवास करती है, उसकी संस्कृति सभ्यता, उसके खान पान या नृत्य मंडली गीत सबको प्रस्तुत किया गया, तो वो लोग इस बार इच्छुक है आने के लिए। आज आप तो विलम्ब कर गए यहाँ देखने के लिए, यहाँ मीडिया बंद हुआ आए थे और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर सब आए थे, वो लोग ने अपने अपने तरीके से अपने बातों पर, कई लोग देखने के लिए इस बार बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम लोगों ने विलम्ब से आगाज़ किया आज, लेकिन इस बार का और भव्य होने वाला है। लोग जो छूट गए थे वो इस बार टिकट एडवांस में बुकिंग होने वाला है, इतना आपको हम बता दे रहे हैं। अच्छा, मैंने तो टिकट का क्या प्राइस तय किए हैं आपने? टिकट का हम लोग चूँकि जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा है और लोकल लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए एक मिनिमाइज प्राइस 30 रुपये का रखा है, जो लास्ट समय भी था, जिससे कि वो हर जन के लिए एक सुविधा। एक साल में आप लोग को महंगाई नहीं बढ़ा? महंगाई बढ़ा लेकिन वैसे भी नहीं बढ़ा है, तो हम लोग जन सुविधा के लिए उतना रखे ताकि किसी को भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए किसी को दिक्कत ना हो। बल्कि पिछले बार हम लोग जो देख रहे थे कि शहर के ही जो आदिवासी जो लोग रहते हैं अजी दर्शक, वही सिर्फ पहुंच पाए थे जो पिछले बार हम लोगों ने देखा था, बड़ी आबादी उनकी पहुंची। क्या इस बार रांची के जो ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी रह रहे हैं, क्या उम्मीद है कि या उन तक भी बात जाए कि वो भी आए इस कार्यक्रम को, इस कल्चरल प्रोग्राम को देखने के लिए? एकदम ज़रूर से इस बार हम लोग आज जो हम लोग मीटअप कराए, तो एक शुरुआत था आज हम लोग का, तो आज से जो स्टार्ट हुआ हमारे कार्यक्रम का एक प्रचार प्रसार का, वो पिछला बार लास्ट शहरी क्षेत्र के ही लोग आए थे, लेकिन इस बार हमारा प्रयास है कि हर गांव से, रांची के आसपास के हर गांव से यहां दर्शक पहुंचे। तो ये कार्यक्रम जो है ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 कनेक्ट विथ कल्चर, जिसका थीम रखा गया है अपने संस्कृति अपने परंपरा से जुड़ने की बात इसमें कही जा रही है। 26-27 नवंबर को प्रोग्राम है, दीक्षांत मंडप रांची यूनिवर्सिटी
इसमें लिखा है कम एंड एंजॉय द यूथ फेस्ट, और थीम जो है वो फोक सॉन्ग, डांस, ट्राइबल क्यूजन, फैशन शो, रॉक शो और कई सारी और चीज़ें हैं, वैराइटीज ऑफ स्टॉल्स है। तो पिछली बार जो लोग छूट गए थे, हम लोग तो थे, बहुत मजा किए थे। अब हालांकि मीडिया से तो हम लोग को पैसा नहीं लगा था, लेकिन आप लोग को लगेगा 30 रुपया। तो जो लोग छूट गए थे पिछली बार, वो इस बार पहुँचे और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी अपने कल्चर को उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको एंजॉय करें। बाकी हम मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।